कर्फ्यू के दौरान नियमों का उल्लंघन करना अपराध होगा। कर्फ्यू में ढील के समय सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को कम से कम 1 मीटर की शारीरिक दूरी रखनी होगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। बैंकों के अंदर बाहर व ATM कक्ष के बाहर 1 मीटर की दूरी पर खड़े होने के लिए गोले के आकार के निशान भी बनाने जरूरी होंगे। ऐसा ना करने पर जिला स्तर के अधिकारी व संबंधित शाखा के अफसरों के खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है। सब्जी, दूध, मेडिसिन डिपो तथा कीटनाशकों की दवाई के बाहर भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दुकान किराए पर है तो मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सकता है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि विदेशी, बाहरी राज्यों तथा तबलीगी जमात से लौटे नागरिकों के बारे में ग्रामीण स्तर पर पंचायत प्रधान व सचिवों को टोल फ्री नंबर 1077 पर या फिर संबंधित SDM के पास जानकारी देना अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर संबंधित पंचायत प्रधान और सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी ही व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के प्रशासनिक मुखिया तथा वार्ड प्रतिनिधियों के लिए भी होगी। पहले एडवाइजरी जारी की गई और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोगों को ये बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करना है। अगर लोग 1 मीटर की दूरी बनाकर बाहर रहते हैं, निकलते हैं, खास करके कर्फ्यू रिलैक्सेशन के टाइम में, तो ये जो महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर देखा गया, आजकल खास करके कुछ बैंक्स में आज देखा गया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जिला प्रशासन बाध्य हो गया कि इसको अब एक ऑर्डर का रूप दे दिया गया है और सेक्शन 34 DM एक्ट के माध्यम से आज एक ऑर्डर पास किया गया है कि अगर कहीं पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते नज़र नहीं आएंगे और हमारे लोगों द्वारा अगर इसका संज्ञान लिया जाता है तो उनके खिलाफ हम केसेस दर्ज करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही हमने सारे जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे SDMs हैं, DSPs हैं, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, SHOs हैं, उनको भी आदेश पारित किया गया है कि वो बाहर निकलें। कल जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन का टाइम होगा 8 से 11, देखेंगे और अगर कोई भी वायलेट करता हुआ नजर आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही जितने भी हमारे बैंक के मैनेजर्स हैं और जो हमारे शॉप के ओनर्स हैं, केमिस्ट हैं, इनको भी निर्देश दिया गया है कि अगर वो अपने दुकानों के बाहर मास्क नहीं लगाते हैं, 1 मीटर पर मार्किंग नहीं करते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अगर फॉलो नहीं होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।